मथुरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां गुस्सा आने पर एक भाजपा पार्षद ने एक मेयर और निगम आयुक्त पर चप्पल चला दी। नगर निगम की बैठक शुरू होने से पूर्व भाजपा की एक महिला पार्षद ने निगम आयुक्त और मेयर से अभद्रता कर दी। पार्षद ने निगम आयुक्त और मेयर पर चप्पल फेंकी, लेकिन चप्पल उन्हें नहीं लगी। इसके बाद पार्षद ने उन्हें रोक रहे निगम आयुक्त के निजी सचिव को चप्पल जड़ दी। बैठक शुरू होने से पहले मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु और निगम आयुक्त रविंद्र कुमार मांदड़ तथा विधायक पूर्ण प्रकाश बैठक में पहुंच चुके थे। पार्षदों का आना शुरू हो चुका था। कुछ पार्षद आकर अपनी सीट पर बैठ गए थे, नहीं कुछ का आना जारी था। तभी नगर निगम में भाजपा की वार्ड 24 की महिला पार्षद दीपिका रानी बैठक स्थल पर पहुंची। बताया गया कि उनके साथ उनके पति भी थे। वो सीधे निगम आयुक्त और मेयर के पास पहुंची और अपने वार्ड में विकास कार्य न होने की शिकायत करने लगी। महिला पार्षद का कहना था कि तमाम बार मांग किए जाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने मेयर से कहा कि पहले जेई को बैठक में बुलाओ, तब बैठक शुरू करना। इस पर मेयर ने उनसे कहा कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। बैठक शुरू होने पर अपनी बात रखें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पार्षद अपनी सीट पर चली गई। इसके बाद जब बैठक शुरू होने से पूर्व वंदे मातरम होने वाला था, तब पार्षद फिर से उठी और मेयर व विधायक से उनकी बहस होने लगी। इसी बीच महिला पार्षद ने चप्पल निकाली और मेयर और निगम आयुक्त की ओर फेंकी। हालांकि ये चप्पल उन्हें नहीं लगी। इसके बाद महिला पार्षद ने एक और चप्पल निकाली और फेंकने लगी। तभी निगम आयुक्त के निजी सचिव होशियार सिंह ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने उनमें चप्पलें जड़ दी। ये सब होता देख वहाँ मौजूद अन्य लोग व पार्षदगण महिला पार्षद को संभालने में जुट गए और जैसे तैसे स्थिति को शांत करने की कोशिश की जाने लगी। विधायक पूर्ण प्रकाश हाथ जोड़कर महिला पार्षद को शांत होने का बोलने लगे। उधर निगम आयुक्त और मेयर अधिकारियों सहित तो फौरन बैठक स्थल से निकल गए और बैठक रद्द कर दी गई। मेयर और निगम आयुक्त पर महिला पार्षद द्वारा चप्पल फेंके जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग महिला पार्षद के व्यवहार को निंदनीय बता रहे हैं, तो वहीं कुछ उनका समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि महिला पार्षद अपने वार्ड में विकास कार्य न किए जाने को लेकर नाराज थी और इसी के चलते वह निगम आयुक्त और मेयर से बात करना चाहती थी। उन्होंने कई बार इसके लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। इसी के चलते गुस्से में आकर उन्होंने कदम उठाया। वहीं घटना के बाद वहां मौजूद अन्य पार्षद भी महिला पार्षद के समर्थन में उतरे हुए नजर आए और कहा कि विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ पार्षदों का कहना है कि महिला पार्षद ने जो किया वो गलत है, उन्हें अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए थी। निगम आयुक्त रविंद्र कुमार मांदड़ का कहना है कि आचरण नियमावली का उल्लंघन करने की वजह से पार्षद की सदस्यता रद्द किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने इसे दुख भरी घटना बताते हुए इसकी निंदा की है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।